हेलो गाइस, नमस्कार, चैनल स्वागत है, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी से जब दो तीन दिन पहले अपकमिंग बॉलीवुड कॉमेडी ड्रामा फिल्म कूली नंबर वन, जिसको डेविड धवन सब डायरेक्ट कर रहे हैं और वरुण धवन सारा अली खान उसमें लीड रोल में है, ये जो फिल्म है उसकी कहानी बहुत लंबी है। कैसे 1993 में चेन्नई से, मतलब तमिल से, इस फिल्म की शुरुआत हुई थी और अभी 2020 में तो पांच बार इसका रीमेक बन चुका है। तो ये जो सॉन्ग आज मैं जिसका रिएक्शन वीडियो करने वाला हूँ, वो हिंदी फिल्म जो अब हिंदी में इसको रिलीज किया गया था 1995 में, कूली नंबर वन, जिसको खुद डेविड धवन साहब ने डायरेक्ट किया था और गोविंदा सर और करिश्मा मैम उसमें लीड रोल में थी, साथ में थे गादर खान सर। और बहुत ही कमाल की आइकॉनिक फिल्म थी, इसके सारे गाने जो है बहुत ही हिट रहे थे और बचपन की यादें हैं इस गानों से जुड़ी हुई। तो जब हम लोग बड़े हो रहे थे तब ये गाना बहुत ही फेमस था और हम लोग भी सुनते थे। तो ये जो सॉन्ग है, मैं तो रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, बहुत ही फेमस सॉन्ग है, तो इस पे रिएक्शन वीडियो आज करने वाले हैं। इससे पहले कि तनिष्क बागची जो है गाने की माँ बहन कर दे अभी वाले रीमेक में, क्योंकि वही है इसके म्यूजिक कंपोजर ओरिजिन, मतलब नए वाले रीमेक के, तो आइए पहले ये ओरिजिनल सॉन्ग देख लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं इसके बारे में आपसे कुछ। ओके, स्टार्ट। मतलब डांस वाला सॉन्ग है, गोविंदा सर का डांस तो क्या। मुंबई फोर्ट एरिया में सुन गया, फोर्ट एरिया रियल मुंबई है जिधर गेटवे ऑफ इंडिया है। बहुत बेहतरीन डांसर्स हुए हैं इंडिया में, लेकिन जिनके जैसा कोई पैदा नहीं हुआ। चाहे तुझे तेरा दीवाना, ये बेस्ट डांसर नहीं, बेस्ट इंटरटेनर पे मतलब है। चले चाहे सारा जमाना, चाहे तुझे तेरा दीवाना, संग तेरे में भाग जाऊं, नजर किसी को भी ना, लोग दिल लगा हुआ इस हाथ में। मैंने जो सरकाई घटी है, आपको लगा बड़ा घटिया है, पूरी नजरों से देखा नहीं, मैंने बेमौत लोगों को मारा नहीं, आया तो मैं क्या करूं, तुझे नाचना आया तो मैं क्या करूं,
फिल्म में गोविंदा सर का चैन ही है अंदाज अपना अपना है और इस फिल्म में उस फिल्म का रेफरेंस दिया गया। जितनी बात करूँ इस गाने की, इस सॉन्ग में म्यूजिक, इस फिल्म में एक्चुअली पूरे म्यूजिक की आनंद मिलिंद सर ने दिया है म्यूजिक, और बात करूँ इस गाने की, इस गाने को गाया है कुमार सानू सर ने और अलका याग्निक मैम ने। फिल्म को डायरेक्ट किया था डेविड धवन सर ने और बहुत ही कमाल की फिल्म रही थी। मतलब जितनी तारीफ करूँ ना बहुत कम है, फुल टू कॉमेडी ड्रामा इंटरटेनिंग वाली फिल्म थी ये, और उतनी बेहतरीन एक्टिंग गोविंदा सर की, कादर खान सर की, करिश्मा कपूर मैम की, सभी ने बहुत ही ब्रिलियंट काम किया था इस फिल्म में। तो ये जो सॉन्ग है बहुत ही कमाल का है, और अभी जब इसका रीमेक बन रहा है वापस से, तब तनिष्क बागची उसमें म्यूजिक की बागडोर संभाल रहे हैं, और जहाँ पे तनिष्क बागची आते हैं वो पुराने गानों को लेके माँ बहन करना कोई उनसे सीखे बहुत बेहतरीन तरीके से करते हैं। इसीलिए मैंने सोचा, और मेरे एक सब्सक्राइबर है प्रदीप, उन्होंने बोला कि सर आप इसका रिएक्शन वीडियो करो इससे पहले कि इसको बर्बाद कर दिया जाए रीमेक में, रीमेक बना बना के। तो मैंने सोचा बिल्कुल करते हैं, एक बचपन की यादें भी ताज़ा हो गई, जो हम लोग ये गाने का लाइन बहुत यूज़ करते थे, तेरी नानी मरी तो मैं क्या करूँ, तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूँ, और गोविंदा सर का डांस काफ़ी कमाल का रहा है। जैसा मैंने बोला, वो अभी तक बहुत ऐसे डांसर्स हुए हैं जो बेस्ट रहे हैं, लेकिन गोविंदा सर ऐसा डांसर, वो डांस करते थे ना ऐसा लगता नहीं था वो डांस कर रहे हैं, उनका फ्लो निकलता था वो, और इतना इन्जॉय करते थे, उनका एक्सप्रेशन साथ में चलता था चेहरे का, तो बहुत ब्रिलियंट डेडली कॉम्बो रहा है गोविंदा सर, उनके एक्सप्रेशन और उनके डांस का। तो बात करते हैं कि ये फिल्म स्टार्ट कब हुई थी। ये फर्स्ट फिल्म आई थी 1993 में तमिल में, चिन्ना मलप्पई नाम से, जिसका मतलब होता है सन इन लॉ, मतलब यंगर सन इन लॉ, या हाँ यंगर। तो उसके बाद सेम तेलुगू में भी बनी थी उसी ईयर, फिर हिंदी में बनी 1995 में, उसके बाद 1999 में कन्नड़ा लैंग्वेज में इसको बनाया गया था, शशि कुमार सर ने उसमें काम किया था, फिर अभी 2020 में इस फिल्म का रीमेक बन रहा है। तो ओरिजिनल 1993 में दो फिल्में, तमिल तेलुगू, फिर हिंदी, फिर कन्नड़ा, और फिर अभी ये, मतलब पांच फिल्म, एक स्टोरी पांच फिल्म, क्रेज समझ रहे हो किस तरीके का है। और ये जो फिल्म है कूली नंबर वन रीमेक अभी वाली, वो 25th ऑफ दिसंबर को अमेजोन प्राइम पे रिलीज हो रही है, तो बिल्कुल देखेंगे। ट्रेलर तो अभी तक ठीक ठाक ही लगा है, लेकिन फिल्म देखने के बाद असली जो रायता क्या फैलता है या नहीं फैलता है वो पता चलेगा, तो उसका भी रिव्यू वीडियो आएगा। आपको ये सॉन्ग कैसा लगा, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा और आप इसी तरीके के रिएक्शन वीडियोस देखना चाहते हैं तो नीचे अपने सॉन्ग्स या फिर कुछ भी जो हो कमेंट करें, मैं ट्राई करूँगा उस पर रिएक्ट करने का। तो मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, जय हिंद। चुराना मेरा जिया, चुराना।